Hi guys, what's up and welcome back to this YouTube channel. And I'm back and I'm back with the video jo ke stand-up comedy hai, and you guys enjoy watching stand-up comedies and as well as I am. And this time I'm going to be reacting onto this stand-up comedy which is by the very famous Abhishek Manu. And Abhishek Manu ki bahut sari stand-up comedies pe already reaction ho chuka hai, aur agar aapne unki famous stand-up comedies par reaction nahi dekha, just like Team Animal and stuff like that, to wo aap jaake hamare YouTube channel par find kar sakte hain. You're going to be finding it within a minute, so देरी किस बात की, जाओ और वो वीडियो देखो, एंड देन उसके बाद आके ये वीडियो देखना. व्हाट इज़ विद माय इंग्लिश, एनीवेज, सो द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज टू वॉचेस जिम आर्टिकल. वेल, ही इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट स्टैंड अप कॉमेडियन जो बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ मिला के और बहुत ही क्रिएटिव बना देते हैं. इट्स काइंड ऑफ लाइक वेरी अमेजिंग, एंड आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग स्टैंड अप कॉमेडियन एंड आई लाइक हिम. एंड देखते हैं, एंड इफ यू न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल, व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड देन कम बैक एंड स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो विच जस्ट सेइंग अफ़त तही. नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर ब्यूटिफुल टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सपोर्ट माई सिस्टर्स यूट्यूब चैनल. नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो. दीज जोक्स वर अपलोडेड ऑन इंस्टाग्राम इन द पास्ट 6 months, सो यू माइट हैव सीन देम अर्लियर. जोक्स कुछ खास नहीं थे इसलिए यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए, पर टाइम ओके. एनीवेज, टू वॉचेस. अब भाई तुम लोग क्या सोच रहे हो, अभिषेक ठीक है भाई, तू कॉमेडी करता, पर ये शो ऑफ करने के दो घड़ियां पहन रखी हैं. देखो यार, शो ऑफ नहीं है, मतलब दोनों गिफ्ट है. एक गर्लफ्रेंड गिफ्ट दिया पापा ने, समझ नहीं आ रहा किस में टाइम देखे, किसको डिच करूं मैं, पापा मतलब, और दोनों में टाइम नहीं दे सकते, टाइम वेस्ट करना कहते हैं उसको, अनलेस दोनों में अलग टाइम हो रहा हूं, मतलब कि मैं 7:59:59 पे टाइम देखूं. मैं अच्छा 8 बनने में टाइम है अभी, वो 8 बज गए, तो मैं सोचा दोनों छोड़ो अपनी घड़ी में टाइम देखें. व्हाट द हेल आर यू डूइंग, आर यू ऑलराइट? इस जोक के लिए एक महीने से ये पैंट पहन रहा हूँ. कितनी बदबू आ रही? Don't say this, man. मास्क, शुगर है, मास्क पहना तुमने. आर्टिकल, ओके. वो पर है ना, ये हर बात पे आर्टिकल लिख देते हैं. यह थोड़ी दिन पहले क्या हुआ, मुंबई में जॉन अब्राहम कहीं मूवी देखने या करने जो भी गया होगा. नहीं, ये जोक हुआ. कोई नहीं, हंस लो, फ्री की सारी हंसी चलेगी मुझे, जितनी मिली कम है. तो मूवी देख के बाहर आ रहा था, जो बहुत सारे फैन आए, उन्हीं फैन में से एक लड़की आई और जॉन अब्राहम के ऊपर कूद गई कि ओ जॉन, तू चाहिए मुझे, तू चाहिए. क्या डोला है जॉन, बैड लड़का. करे तो हैरेसमेंट, लड़की करो तो अच्छा है. तो जॉन अब्राहम की सिक्योरिटी आ गई, ओए जॉन पे चढ़ सकते ऐसे, उतरो जॉन से. आराम से चले आते सुबह सुबह जॉन पे चढ़ने. कोई जॉन पे नहीं चढ़ेगा. तब उस बंदे ने आर्टिकल लिख दिया, इफ अ मैन वुड हैव रन दैट टू अ वुमन, वुड द सोसाइटी एक्सेप्ट इट इन द सेम वे? व्हाई कांट मेन डू दैट? हैशटैग मेन आर. मैं भी तो ये बात कर रही थी, मैं भी तो यही बात कर रही थी. सुने आपने बात, ये पूछे व्हाई कांट मेन डू दैट, मतलब इसको राइट भी मोलेस्टेशन का चाहिए. ये नहीं कि लड़की ने गलत किया है, ये कि हमारे जुगाड़ करो कुछ है? करो कुछ यार, झपटना तो हमें भी होता है, लेकिन झपट्टी बात है. जिम, ऐसे फिजिकल हेल्थ के लिए जिम जाते हैं ना, मैं तो वहां भी नहीं जाता, दिख ही रहा होगा. या क्लियरली, मैं गया था पिछले साल, गया था, मैं कहा सुनो एप्स चाहिए, कह रहे मिल जाएंगे. मैं कहा 6 बांध दो फिर मिल जाएंगी, तो बैच ये का तरीका बात करने का. सीर क्रिकेट, व्हाई बाय द वे, अब तो तुम्हें पता है पेंडेमिक में सारे स्पोर्ट्स बंद हो गए थे, लाइक क्रिकेट भी बंद हो गया था. और मैं तो क्रिकेट, मेरे लिए तो मैं 10 साल पहले क्रिकेट देखना छोड़ दिया था आज से. मैं कहा यार वो खेल रहे हैं हमें क्या. नहीं, I watch cricket, so I cannot say that. क्रिकेट ही ऐसा स्पोर्ट देखना होगा तो मैं ग्राउंड में आके बच्चों को देख लूंगा, वो ज्यादा एंटरटेनिंग है. वो आउट होता है, बैट्समैन बैट ले घर चल जाता है. ये हुई ना बात, जिस दिन विराट कोहली
स्टेडियम में अपनी मम्मी बुला लाया। मैं देख रहा हूँ क्रिकेट बाप। लेम। पर मुझे पता नहीं था कि क्रिकेट के रूल्स अब चेंज हो गए हैं। अब थर्ड अंपायर को भी खिलाते हैं। पहले नहीं खिलाते थे उसे, पहले उसे सिर्फ रनआउट के टाइम पे याद करते थे। बाकी टाइम वो बोर ही होता रहता था। दोस्तों फोन कर रहे हैं, बात कर लो मुझसे यार। यार कभी तुम भी फोन कर लिया करो। हर बार मैं तो मैं ही लगाऊं आपसे। तो ऐसा लग रहा है मैं चेप हो रहा हूँ। अब नहीं है ऐसा, अब चले जाते हैं थर्ड अंपायर के पास। थोड़ी देर पहले मैं गलती से मैच लगाया, उसमें बॉलर आया, बॉलर ने बॉलिंग कराई और LBW की अपील की ये ग्राउंड अंपायर से कि आउट आउट। आउट ही था, क्लियर आउट था भाई। दे दे आउट ही, दे ना, दे ना। हाथ लगा, आउट नहीं था। मैं कहती हूँ आउट था। थर्ड अंपायर से पूछो मैच। उन्होंने थर्ड अंपायर से पूछा, थर्ड अंपायर ने बोला आउट नहीं। मैं वो ग्राउंड अंपायर होता ना, मैं चिढ़ जाता इस बार। मेरे ईगो पे लग जाती है बात। अगली बॉल पे वो बोल्ड करता, मैं चौका दे देता। बोल्ड था, आपने चौका दे, हमें क्या पता भाई, उनसे पूछो। वो है बड़े साहब, हम तो धूप फेंकने आते हैं यहाँ। नाम की टोपी पहनी है बस, मूंगफलियां पड़ी इसमें खा लो यार। मेरे भी ईगो पे लगती यार, अगर आई वाज लाइक थोड़े दिन पहले मैं एक बैंक में गया अपने दोस्त के साथ, एंड देयर वाज अ गर्ल सिटिंग ऑन अ चेयर एंड शी गोज के पास में ग्लास ऑफ वाटर, श्योर ये लो जी। मैं दोस्त कहता क्या था ये। हाँ क्या हुआ, कह रहे क्यों दिया पानी तूने उसको, उसे मांगा तो दिया ना। अरे अरे क्यों, अब नहीं होती वुमेन इक्वालिटी, खुद नहीं लेता पानी, पड़ेगी ना मर्द की जरूरत पड़ेगी ना फाइनली। मैं कहा हैंडीकैप्ड है वो यार। कह रहा है भाई ये सब बहाने, खुद भी तो लेती होगी ना पानी। मैं कहा ये कोई बहाना नहीं, फिजिकल डिसेबिलिटी कोई बहाना नहीं, यू कांट यूज दैट, यू कांट लाइक कॉल अप योर बॉस इन द मॉर्निंग, हेलो सर मैं ऑफिस नहीं आ रहा, सर एक तो मेरा गला बहुत खराब है और दूसरा आज आज पैर भी नहीं है। हाँ सर कल वो पार्टी में गया था ना, तो नाश्ते नाश्ते वहीं कट गए सर। नहीं सर वो उस टाइम पता ही नहीं लगा, वो सुबह चप्पल के लिए जब बेड से उतर रहा था ना, तब सीधे मुंह के बल गिर गई। नहीं सर आज बिल्कुल पॉसिबल, आज एक्चुअली सर बहन भी अंधी है ना इसलिए हो नहीं पाएगा। दिखाया डॉक्टर को, दिखाया सर, उसने फीटोमाइसिन दी, सुबह लगाई थी क्रीम तो दो तीन उंगलियां तो वापस आ गई हैं, पूरा पैर होते मैं ऑफिस आ जाऊंगा पक्का वापस। तमीज, कौन सी तमीज, जनरल लोग केयरलेस ही होते हैं, लाइक एडल्ट्स काफी केयरलेस हैं। अभी भी हम लोग सब खाना खाते टाइम खाना गिरा देते और हमारा भी ठीक है, बुढ़े लोग खाना गिरा देते, बुढ़े लोग। तुमने जीवन में कम से कम 1.5-2 लाख बार खाना खाया, और कितनी प्रैक्टिस चीज हुई, और तुम किस कॉन्फिडेंस से किसी को कोई एडवाइस देते हो। बेटा देखो लाइफ में क्या होता है, मैं छाती पे राजमा गिरे हूँ, ठीक है लाइफ में क्या होता है, ये कैसी बातें करता है यार। सच में मुझे सफाई बहुत पसंद है, मेरे एक दोस्त है मेरे घर आया था एक बार, कमेडियन नहीं है करुणेश तलवार, जानते हैं उसको, हाँ तो कमेडियन अच्छा बनता बहुत फुद्दू है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आदमी, उसका शो मत जाना। तुम सच में तुम सेल्फी के सामने जाओगे ना पीछे तो बटुआ मार लेगा तुम्हारा। कैसे कमेडियन घूम रहे हैं मार्केट में। एक दिन मेरे घर आया था, मेरे घर आके मेरे तकिया पे बैठ गया, तकिया पे घर में बैठा जिस पे तकिया रखा है, जिस पे मैं रात को मुंह रख के सोता हूँ। इसने वहीं जाके अपनी गांठ टिका दी। हाँ भाई, हाँ बोलो अभिषेक, क्या बच्चों मुंह पे बैठ जाना मेरे, इसे सिर्फ मेरा मुंह गंदा हो। और जैसे ही मैं तकिया बैठे ना मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। ये सेम इज द थिंग विद मी, इंटरेस्टेड में इरिटेट हो रहा हूं हर बात से। हां वो लगा कह रहा है मम्मी की तबीयत आजकल यार बहुत खराब है, मतलब नहीं उससे जो भी है अच्छा खराब हो जाएगा। तू तकिया से उठ पहले।
थोड़े बाद मुझे कहता है कि कुछ खाने को है, मैं कहा हाँ पापड़ है खाने को, कह दे मैं पापड़ दिए, पापड़ खाने नहीं आते उसे, या किसी और के घर गए आप ऐसे क्रंची चीज़ें आप नीचे हाथ रख लेते हो ना कि नहीं, या टिश्यू मांग लिया प्लेट डिसेंसी मतलब हाँ नहीं तकिए बैठ के आंखों में घूर के पापड़ खा रहा हाँ बोलो कौन और पापड़ का एक टुकड़ा मुझे ऐसे उड़ता हुआ दिख रहा था बेड पे गिरता हुआ सीधा ये बंदा कल मर जाए दुखने में तो मुझसे रहा नहीं गया तो दो मिनट बाद मैंने कहा सुनो पापड़ वापस कर पापड़ लिए इसका चूरा बना दिया और अपने ही बेड पे फेंक दिया खरे क्या कर रहा है मैं कहा मेरा जो डर था ना वो खत्म हो गया अब वो टाइम गया लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ बात तेरी मम्मी की तबीयत का क्या सीन है और अगर यही तरीका है मेरा डर से रील करने का जिस चीज़ का वो डर लग रहा है कहीं सच ना हो जाए वो खुद ही सच कर दो ताकि डरने में टाइम ना वेस्ट पॉइंट मैं सबके डर ऐसे दूर करता हूँ सच में मेरा एक दोस्त था उसको बहुत डर था रोड एक्सीडेंट का अब वो नहीं है इस दुनिया में पर ना उसका डर है तो मतलब नहीं ऐसे ये फिलोसफी हर जगह नहीं ऐसी मेरी मुझे एक मेरी गर्लफ्रेंड थी बहुत अच्छी थी मतलब बहुत ही बढ़िया मैं कहा ये लड़की बहुत सही है यार ये नहीं मिलने वाली डर लग रहा था ब्रेकअप ना हो जाए ब्रेकअप कर लिया Guys, after watching this video, I feel like that it was amazing video. और छोटे छोटे parts थे और सारे ही parts बहुत अच्छे थे उनमें बहुत comedy वाली बात हुई हुई थी और मुझे बहुत पसंद भी आए and I think he is a very good comedian in my perspective and I really like his videos और मैंने बहुत सारे videos उनकी की हुई हैं एक्चुअली और आप लोग और भी comedians के बारे में बता सकते हो उनका भी reaction हो सकता है ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि सिर्फ इन पे ही होगा और पे भी किया जाएगा आप लोग बस अपनी ख्वाहिश का इजहार करो आई एम गोना बी ब्रिंगिंग द वीडियो एंड या नाउ आई एम गोना बी साइनिंग ऑफ वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो दिस यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम अकाउंट विच इज फताइज़ अंडरस्कोर रिएक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी एज वेल ऑन इंस्टाग्राम यू गाइस नो माय इंस्टाग्राम हैंडल इट इज ज़ैनब अंडरस्कोर फताही खुदा के वास्ते 3K करा दो And I'm going to be signing off with a very, very and very beautiful message, which is do not forget to spread peace, love, and positivity. Love you all. Bye.